अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं कुत्सिया शौकत। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। जोगी चौक साहिवाल, जो कि साहिवाल शहर का अहम तरीन तजारती मरकज है, इसके आइन चौक में इस एरिया के बिजली ट्रांसफर की खराबी पर वापडा ने ट्रांसफार्मर को पोल पर लगाने के बजाय गुज़श्ता कई माह से आरजी सप्लाई ट्रांसफार्मर की ट्राली खड़ी कर रखी है, जिसके बाइस इस अहम तजारती एरिया में आवाम को ट्रैफिक आम तरफ दीगर कई तरह की मुश्किल का सामना है। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन कसूरी। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल शहर की जो मेन गुजरगाह है जोगी चौक, जहाँ पर ट्रांसफार्म की खराबी के बाइस वापडा मुलाजमीन जो है ट्रांसफार्म को उतार कर ले जाते हैं और उसको दुरुस्तगी के बाइस जो है वो इस ट्राली में ला कर रख देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक में बंदिश का बाइस बनती है और आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से जो यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं उनको भी उनका कारोबार जो है बहुत मुतासर होता है। हमारे साथ भाई मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी भाई, आपका क्या कारोबार? मेरा भाई ये शूज़ का स्टाल है पीछे। तो भाई इसकी वजह से आपको क्या मसला? भाई इसकी वजह से मुझे तो प्रॉब्लम है ही है, इसके अलावा जो मुसाफिर गुजरने वाले हैं जितने भी रोड से, उनकी आपस में लड़ाई है। ट्रैफिक का देख लें आप निज़ाम कैसे धर्म भरम हुआ पड़ा है। उसके अलावा आप जितनी मर्जी मार्केट देख ले, कोई कस्टमर इधर रुकने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि पीछे से रश है, हारन है, लड़ाई हो रही है, कस्टमर चले जाता है। हमने कंप्लेन भी इसकी की है काफ़ी दफ़ा, वापडा में भी जाके की है, मुल्तान रीजन में भी की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितना अर्सा हो गया इसको? ये 3 माह से तकरीबन भाई इधर पड़ा हुआ है। तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं पड़े भाई अभी। जी जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जिनका यहाँ पर जोगी चौक में कारोबार है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर की वजह से उनको क्या मसाइल दरपेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें मसाइल ये है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, कारोबार पर भी असर पड़ता है काफ़ी, आधी सड़क इसने रोकी हुई है, इसलिए इसको। तो आपने कंप्लेन की वापडा वालों को? पोर्टल पर भी की है, सिटीजन पोर्टल पर भी 3 मरतबा की है, उधर जाकर भी की है, लेकिन कोई बात नहीं किसी ने सुनी। उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जी कि ट्रांसफार्मर ख़राब है, जब ठीक होगा तभी लगेगा, जो यहाँ पे ख़राब है वही लगना है, अदरवाइज और कोई नहीं लगेगा। तो उनसे ये नहीं बोला कि इसकी जो जगह है इसको उठा के वहाँ पे रख दें? नहीं, वो कहते हैं कि ये एमरजेंसी में रखा हुआ है। मैंने कहा एमरजेंसी में तो इतने अरसे में तो नहीं पड़ा होता। इतने माह हो गए इसको? 3 माह तकरीबन हो रहे हैं। जी 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 भाई मौजूद है, ये उनसे भी बात करते हैं कि उनको ट्रांसफार्मर की वजह से क्या मसाइल दरपेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। जी भाई, क्या मसाइल दरपेश है आपको? मसाइल ये दरपेश है कि आपके सामने वो देखें, रोड के अंदर रखा हुआ है उन्होंने, कम से कम ये चाहिए कि ट्रैफिक की बहाली के लिए ये पीछे कर दे, अपनी जगह पर लगाना चाहिए। उसकी वजह से रोड भी ब्लॉक है, कस्टमर आने वाला भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। दुकानदार सुबह से दुकान खोल के बैठता है, कहाँ पर कस्टमर रुकेगा, तो फिर कोई बात बनेगी ना। तो कितना अर्सा हो गया इसको? इससे तकरीबन 2.5-3 माह हो चुके हैं, इस तरह ही पड़ा है यहाँ पे। तो आपने कोई कंप्लेन की? कंप्लेन दोस्तों ने की वहाँ पे, वो बता रहे हैं हमने कंप्लेन की है, लेकिन कोई इशू ही नहीं लिया जा रहा इसके खिलाफ। जी, मैं शेख यूसुफ के साथ हाफिज अली हसन कसूरी, साहिवाल।